नमस्कार दोस्तों, सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट हरियाणा के लिए जिसने भी अपने फॉर्म भर रखे हैं सभी के लिए ज़रूरी अपडेट है। यदि आप इसका एग्ज़ाम देने की तैयारी कर रहे हैं तो सभी के लिए लेटेस्ट अपडेट है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, यदि आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसके अलावा ऑनलाइन से जुड़े सभी काम जो है मनोज साइबर कैफ़े पर किए जाते हैं। पानीपत में अपना साइबर कैफ़े है, ऑनलाइन से जुड़े सभी तरह के फार्म, सभी तरह के काम ऑनलाइन हमारे पास किए जाते हैं और ये सभी काम सिखाए भी जाते हैं। और इसके अलावा बीएड में एडमिशन आप लेना चाहते हैं, बीएड या जेबीटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए जो है पूरी हेल्प की जाएगी, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी जानकारी दे रखी है। जो भी साथी बीएड या जेबीटी में एडमिशन लेना चाहता है तो आप जो है डायरेक्ट मुझसे संपर्क कर सकते हैं, बिल्कुल बेस्ट जो गाइड होगी आपको की जाएगी। और ऑनलाइन से जुड़े सभी काम के लिए जो है आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, सभी तरह की जानकारी आपको यहाँ पर दी जाएगी। तो दोस्तों, सीईटी का जो फॉर्म है जिसने भी भर रखा है, सभी के पेपर 5 और 6 नवंबर को होने तय किए गए हैं। इसके अलावा 5 और 6 नवंबर को किसी भी तरह की कोई यदि प्रॉब्लम होती है किसी भी सेंटर पर तो उसके लिए अलग से एग्ज़ाम सेंटर जो है 7 तारीख को तय किए गए हैं, कि अगर किसी के भी सेंटर में कोई प्रॉब्लम होती है किसी ग्रुप में तो उसका पेपर जो है 7 नवंबर को लिया जाएगा। इसके एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग कई तरह के जो है कॉल मेरे पास आ चुके हैं, सभी कहते हैं कि एडमिट कार्ड कब तक आएंगे, तो सभी को मैं क्लियर करना चाहूँगा, एडमिट कार्ड आपके अक्टूबर के लास्ट तक सभी के अपडेट हो जाएंगे। 25 अक्टूबर के बाद कभी भी एडमिट कार्ड जो है जारी किए जा सकते हैं, यदि आपका 5 और 6 नवंबर को आपका जो है पेपर फिक्स हो गया तो। कम से कम पेपर से 10 दिन पहले जो है एडमिट कार्ड की जानकारी वेबसाइट पे अपलोड कर दी जाएगी, क्योंकि काफ़ी सारे सेंटर बनेंगे और एग्ज़ाम भी काफ़ी सारे सेंटर पे होंगे। तो सभी साथी ग्रुप सी का जिसका पेपर होना है 5 और 6 नवंबर को, ग्रुप सिर्फ ग्रुप सी का एग्ज़ाम होगा, तो उसके लिए जिसके भी फार्म कंप्लीट हो गए थे, जिनकी फ़ीस कंप्लीट हो गई थी फार्म की, सिर्फ उनके एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। और ये एडमिट कार्ड 25 अक्टूबर के बाद कभी भी आपके वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे, यदि आपका एग्ज़ाम 5 और 6 नवंबर को फिक्स होता है तो। यदि डेट अप डाउन हुई तो किसी भी डेट को, मान लीजिए आपका डेट थोड़ी बहुत आगे पीछे होती है, तो उससे 10 दिन पहले आपके एडमिट कार्ड वेबसाइट पर अपडेट कर दिए जाएंगे। इससे जुड़ी सभी जानकारी दोस्तों इस चैनल पर पाने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो का कॉमेंट बॉक्स ओपन है, आप कॉमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।